आज का ब्लॉग माहिम दरगाह के पास का जो रोड है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए, जैसे कि पिछले ब्लॉग में मैं आपको बोलकर निकली थी कि मैं माहिम जा रही हूँ, तो माशाल्लाह मैं माहिम पहुँच चुकी हूँ और अब जाऊँगी जो भी मेरा प्रोसेस करने आऊँ तो इंशाल्लाह वो जाऊँ और जो भी रहेगा फिर मैं आके आपको साथ में कनेक्ट भी होंगी और क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सब आके आपके साथ इंतजार से बातें करूँगी। अभी फ़िलहाल तो मैं ये लीजिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ दरगाह दिखी आपको दिखी ना। अभी मैं यहाँ से निकली हूँ माहिम पुलिस स्टेशन में और यहाँ पे जो भी हुआ है मैं घर जाके आपके साथ इत्मीनान से सारी बातें शेयर करूँगी। अभी तक तो हम लोग रोज़ा भी नहीं खोले, सिर्फ पानी का बॉटल मेरा बच्चा लेकर आया, पानी का बॉटल पिए और सारे प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग गया, तो इत्मीनान से मैं घर जाके आपके साथ सारी बातें करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ दरगाह और जिनके दर पर आई थी और वहीं पर आने से ये चीज़ हुआ, पता नहीं उन्होंने कौन सी बड़ी मुसीबत की, छोटी मुसीबत मतलब बड़ी मुसीबत थी उसको टाल के इसमें छोटी मुसीबत ख़त्म किए, तो उनका शुक्र तो अदा करना पड़ेगा ना मुझे। तो मैं जा रही हूँ माहिम दरगाह। चलिए माशाल्लाह ज़ियारत भी हो गई और माफ़ी तलब भी हो गई क्योंकि मेरे दिल में जब ये केस हुआ था तो थोड़ा बहुत मेरे दिल में कुछ ऐसी बात आई थी कि जो मैं थोड़ा सा इनसे तकलीफ़ में थी, तो मैंने आज इनसे बहुत माफ़ी तलब की कि ये होता है क्योंकि इनके ऊपर सबसे ज़्यादा अकीदा मेरी अम्मी का रहता था, तो मैंने आज उनको वही बोलकर उनका मेरी अम्मी का वास्ता दिया कि अम्मी का तो अकीदा बहुत पक्का था पर मेरे अकीदे में थोड़ी सी डगमगाहट हो गई, तो उसके लिए दिल से माफ़ी मांगी हूँ, बस वो कबूल करे। और पीर वाली लोग तो कभी भी अपने दिल से ही कबूल करते, हम लोग होते जो बस हमारे इंसान है ना, इंसानों के दिलों में तो गंदगी अल्लाह ने कूद कूद कर भरी है, तो खैर कोई बात नहीं, मैंने माफ़ी को बस मांगी बस अल्लाह उसे कबूल करे, सरकार कबूल करे। और यहाँ से जा रही हूँ, पहले जाके मेरे बेटे को कुछ खिलाऊंगी, मैं कुछ खाऊंगी, रोज़ा खोलेंगे, उसके बाद भी इससे कनेक्ट होंगे। अच्छा ये तो हमारी फेवरेट है लेकिन आज ज़्यादा नहीं लेने वाली क्योंकि सारा दिन रोज़ा रहते हैं कुछ खाते नहीं, बस हम आज पेट भर के खाएंगे और मेरा बेटा अगर कुछ बोला तो जरूर होगी, बाकी तो जिसकी पसंद थी अब उसकी पसंद तो मैं पीछे छोड़ रही हूँ इंशाल्लाह। देखो मैं आपको बताई थी केक के दुकान पे हम लोग खाएंगे पर इतने सारे लोग सेल्फी खींचने आए, फिर से वह मुझे शर्म आने लगी तो फिर मैंने वहाँ कुछ खाई नहीं। ये बस पार्सल, ये जो खाने के लिए हमने वहाँ गरम किए थे ये, फिर मैंने बोला ठीक है भाई पार्सल कर दो। थोड़ा वो भी बताओ आपको टेंशन किसका था इसलिए आए, ये मेरे बच्चे लोग ये क्या दे रही है ना खाना, उनके खानों के लिए फटाफट बोले अपन भी घर पे खाएंगे उनको भी खिलाएंगे। हाँ मुझे ना मेरे बचाने के लिए मैंने ना आज सब लोगों से दरख्वास्त भी की थी कि मेरे बच्चों के हक में जरा दुआ करना क्योंकि मेरे बच्चे हैं ना आज बहुत नरम नरम थे, शायद उनको पता था कि आज उनकी माँ बहुत परेशान है तो ये परेशानी वो मेरे बच्चे भाप लेते हैं। चिंटू देख 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 इसको बंद करते हट तो जरा, मैं बदमाश आदमी है, ये बदमाश आदमी है, चलो जाओ सुसु करके आओ अंदर, चलो आ जाइए थोड़ा सा मेरे बच्चे को भी खिला दूँ। और आपको पता है कहाँ गई थी, पुलिस स्टेशन, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बातें डिस्कस करूंगी, अब कोई बात नहीं छुपाऊंगी और अब कोई पर्दादारी नहीं रहेगी इंशाल्लाह। और मुझे रास्ते में पता है आपको किसका फोन आया, मेरे ज्वेलर्स का, तो वो सरप्राइज अभी हम मतलब रास्ते में थे इतनी ट्रैफिक थी तो मैंने बोली बेटा अभी इतनी थक भी गई हूँ रोजा भी नहीं खोले तो मेरे आंटी घर पे भेजो, मेरे लिए नहीं मैं कल आऊंगी क्योंकि मुझे दूसरे वाले फोन के कवर वगैरह भी सब लेना है और अमीन भाई को भी कवर लेना है वाले, तो कल हम जाएंगे फिर वहां से फिर बताऊंगी हम क्या है मेरी क्या चीज रेडी हुई है और क्या चीज नहीं हुई है। और फिर उसके बाद जो आज जो प्रोसेस हुआ वो भी तो आपको बताना ही है ना सारी चीजें। और शुक्रिया जजाक अल्लाह, रास्ते में मैं देख रही थी मेरा व्लॉग, आप लोग जो भी लिख रहे थे उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज आपसे दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो आपको दिल को लगता है कि सच है तो प्लीज सच ही लिखिए, ना कि किसी को मतलब ऐसा गलत लगे कि आप मुझे गलत लिखते हो ताकि मैं वो देख के बहक रही हूँ आगे जा रही हूँ। मैं कभी किसी की बातों को किसी की कुछ कुछ भी देखकर कभी बहकती नहीं हूँ, मैं बस अपने दिल की करती हूँ और ये तो मेरी जिंदगी है जो मेरे साथ बीत रहा है यार, तो मैं क्या किसी की बात देख के बहकूंगी और किसी का सुनूंगी। पर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी जो लिखने की जो ताकत है इसकी वजह से मुझे ना एक ताकत मिलती है
और कुछ नहीं, बस एक हिम्मत मिलती है। हालांकि हिम्मत बहुत है, लेकिन कहते हैं ना कि एक हिम्मत मिलना बहुत जरूरी है। तो मेरी दुनिया में मेरे माँ बाप नहीं है, मैं पहले मेरी माँ से मुझे हिम्मत मिलती थी। इंशाल्लाह वो जगह पे आप लोग खड़े हो। तो जजाक अल्लाह, रस्ते में भी बहुत सारे बुजुर्ग लोग आंटी ने मुझे हग किए, प्यार किए और बोले हम लोग आपका व्लॉग देखते हैं और बगदाद शरीफ की बहुत तारीफ की, बहुत तारीफ की इंशाल्लाह। हेलो, न्यू मम्मी को देखना है? कैसा आदमी न्यू मम्मी को देखना है? न्यू मम्मी को, अरे तू वीडियो चालू करा। सॉरी, हेलो न्यू मम्मा, बुड्ढी मम्मा, ये लो आपके लिए लाया। ये देखो, अली छुपा के रखा था, ये इतना बदमाश है। ये देखो, ये जेली खिला रहा कब से मुझे, बोले मुझे नहीं खाना ये जेली, तो बोलता वो खत्म हो गया। कल मेरा अली लेकर आया था 6 पीस, और 6 पीस पे अली तूने कितना खाया? ये वाला दो खाया, एक खाया। अच्छा, तो मैंने भी दो खाई शायद, तो एक ही खाया। चल चल चाने, तूने दो खाया, मैंने एक खाई हूँ, ये मेरा दूसरा वाला है। क्यों न्यू मम्मा? मस्त लग रहा है मम्मी, बहुत अच्छे लग रहे। मेरी पहचान, आज मेरे बेटे ने अपनी जिंदगी पूरी बांध दी मेरे लिए। उसका डेफिनेशन या फिर एक्सप्लेन मैं एंड में करूंगी। आज मेरे बेटे को जितना मैं प्यार करती हूँ ना, शायद बहुत कम है। और आज मैंने अली को भी बोला ये सब बातें। अली और मैं बात कर रहे थे, ये अपने दोस्तों के साथ था, अब भी आया, और ये देखो मेरा कल का छाला फूट गया है। मतलब मेरे दिल के छाले भी अब फूटने लगे हैं। कैमरा एक्शन, माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग, एवरीथिंग ओके? ओके ओके, नाउ रेडी? रेडी, या ओके, कम हियर। चलिए, आज मैं आपके साथ चिकन रेसिपी एकदम स्पेशल, दिल्ली स्टाइल एंड इजी स्टाइल। आप इसका नाम मुझे नहीं पता, आप ही इसमें सजेस्ट कर लेना कि मैं इसका नाम क्या रखूं, बट ये मुझे आता है स्पेशल बनाना। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये स्पेशल क्या चीज बना रही। बोनलेस चिकन लिया, थोड़े से उसमें बोन थे, मैंने फेंका नहीं उसको, उसको भी यूज कर लिया है। और उसके साथ पहले ग्रेवी किस तरीके की बनेगी मैं आपको वो दिखाऊंगी। ये है ऑनियन, टमेटो एंड हरा धनिया, और यह यहाँ पे है खौलता हुआ पानी, जैसा आजकल मेरा दिल खौल रहा है उस तरीके का पानी। तो आपको ग्रेवी के लिए इसके अंदर ऑनियन, टमेटो और जो हरा धनिया, इसको हमको पूरा डाल लेना है। चिकन का ग्रेवी है, उसका पहले स्टेप आपको बता दी, सारा बॉईल करने रखी। उसके बाद जो हम मसाले भूनने लगेंगे उसमें क्या लगने वाला, चलिए आज बहुत सारे मसाले प्लेट में आपको बताने पड़ेंगे। रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ब्लैक पेपर, जीरा पाउडर, और ये है कलर, फूड कलर। तो ये सारे उसमें भूनने में लगेंगे मसाले। जिंजर गार्लिक का पेस्ट और नारियल का दूध अवेलेबल है रेडीमेड, तो आप ले सकते हो। और उस पानी की जगह पे हमको मिल्क इसमें यूज करना है। तो ये हमारी इस तरीके की ग्रेवी रेडी होगी। अब ये ग्रेवी के अंदर लगने वाला चिकन, तो उसको हमको करना है पहले मैरिनेट। तो चलिए अब मैं मैरिनेट किस तरीके से करने वाली वो बता देती हूँ। हमको चिकन को मैरिनेट करना है, तो सबसे पहले आप इसमें डालिए जिंजर गार्लिक का पेस्ट, एंड उसके बाद ये जो मैंने आपको बताई थी कि रेडीमेड ग्रेवी मिलती है जो हम तंदूरी चिकन बनाने के लिए, तो आप अगर वो मिले तो ठीक है, नहीं तो फिर तंदूरी मसाला कोई भी कंपनी का आप ले सकते हो। ये मैंने लिया है ग्रेवी, एंड इसी के साथ साथ तंदूरी मसाला एवरेस्ट का जो रहता है वो थोड़ा सा लिया है मैंने यहाँ पे। एंड इसके साथ साथ आपको कॉर्नफ्लावर लेना है जो अच्छे से कोट करे चिकन हमारा, जरा सा ही लेना है, ज़्यादा नहीं। और इसके साथ हमको लेना है सॉल्ट, और हमारी हाथ की मदद से इसको अच्छे से हमको मैरिनेट करना है और इसके फिर डीप फ्राई करना है। तो मैंने ऑलरेडी तेल रख दी हूँ, क्योंकि मुझे फिर इसके सब करने के बाद मुझे जाना है मलाड। और जो मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताई थी कि मुझे कॉल आ गया है, मैं लेने नहीं गई हूँ सामान, तो अब मैं वो लेने जा रही हूँ। और मैं नाम नहीं बताऊँगी आपको, आपको डायरेक्ट बताऊँगी, लेकिन थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना रहेगा। एक साथ सब चीज़ खाने से बदहजमी हो जाती है, फिर हम अलग अलग खाएंगे तो सारी चीज़ें हम डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए ये हो गया, इसको आई थिंक 10 मिनट्स या 15 मिनट्स, अगर आपके पास टाइम है तो आप आधा घंटा एक घंटा छोड़ दीजिए, अगर नहीं है तो आप इसको 10 मिनट भी छोड़ देंगे तो काफ़ी हो जाएगा। और उसके साथ फिर हम इसको करेंगे डीप फ्राई, एंड उसी के साथ साथ हम इसका ग्रेवी भी रेडी करेंगे।
अभी हमको चिकन को फ्राई करना है, डीप फ्राई, बट एकदम पूरा नहीं पकाना है उसको। जो हमने इसके अंदर मसाले लगाए हैं बस उसको कोट कर ले वो, और फिर आपको निकाल देना है। और चिकन को आप जब धोओगे तो एकदम उसको दबा के इसका पूरा पानी निकाल लेना। चिकन फ्राई करते समय आपके इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं रखना है, नहीं तो ये तेल के अंदर पानी छोड़ेगा। इस तरीके से आप चिकन के पीस को फ्राई कर लीजिए, और जैसे कि आप नज़दीक से देखोगे तो ये जूसी दिख रहे हैं, ना कि आप कड़क दिख रहे हैं। तो इसी तरीके से फ्राई करना ताकि इसके जूस बरकरार रहे और मसाले का टेस्ट इसमें लगे। हमने जो डीप फ्राई किए वही तेल को आप ग्रेवी के लिए यूज कीजिए, बिकॉज उसका टेस्ट बहुत रहेगा चिकन का, और हम लोगों को वही टेस्ट चाहिए। बट ये अलग बात है कि ये बेनाम चिकन है, और प्लीज़ मैसेज के ज़रिए आप नाम सजेस्ट कीजिए। मुझे तरीका तो बहुत अच्छे अच्छे आते खाने के, पर नाम पता नहीं रहता है। बस मेरे बच्चों के लिए कुछ अलग 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 वैरायटी बनाते रहती हूँ। तो फिलहाल तो ये तेल गर्म है, आपको पता है, तो इसी के साथ ये जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट है आप इसको पहले ही डाल लीजिए। ज़्यादा गर्म तेल में मत डालिए तो फिर बैठने लगेगा। इसको थोड़ा सा भूनो, फिर बाद में हमारे जो ड्राई मसाले हैं, ये ड्राई मसाले हमको इसी के अंदर डालना है, और जो मैंने बॉईल किया हुआ जो मसाला है उसको फिर अच्छे से पेस्ट करना है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो ड्राई मसाले मैंने आपको सारे बताए थे, इसी के साथ आप इसको ड्राई मसाले को ले लीजिए। अब बिल्कुल आँच स्लो रखना, ताकि वो जब तक हम वो मसाले रेडी कर लें, उसका स्मूथ वाला जो पेस्ट तैयार करना है उसी को इसके अंदर डाल डाल के थोड़ा सा हमको भूनते रहना है। और कोई, मैंने जैसे आपको मिल्क बताई तो आप उसकी जगह पे क्रीम भी ले सकते हो, लेकिन अभी रमज़ान का टाइम है और बच्चे रोज़ा रहते तो इतना हैवी डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैंने क्रीम को नहीं डाला, दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो चलिए फिर अभी इसका पेस्ट बना लेते हैं। चलिए, ये पानी इसके अंदर रहेगा तो पानी अलग करके आप इसका खाली स्मूथ पेस्ट बनाना है, तो बस आप इसको ऐसे कर लीजिए अच्छे से। मैंने तो इसको बॉईल कर लियो, ठंडा कर लियो, और इसको आप अच्छे से, ये जो हमने पेस्ट रेडी की है इसको आपको थोड़ा थोड़ा डालना है, पूरा एक साथ नहीं डालना। अब आपको आज फास्ट करके इसके मसाले को अच्छे से भूनना है, बिल्कुल आपका जो ये पानी है ये सूख जाना चाहिए। इसमें हम दूध मिक्स करने वाले हैं, और दूसरा जो नारियल का दूध है वो मिक्स करने वाले हैं ग्रेवी के लिए, तो इसीलिए हमको ये पानी सुखाना बहुत ज़रूरी है, और भूनते भूनते सुखाना थोड़ा थोड़ा करके। चलिए, अब जो ये नारियल का दूध है आप इसको ऐड कीजिए। कलर सीधा चेंज हो जाता है नारियल का दूध डालने से। तो अभी तो ये बेटा बहुत सारा भूनना है ना, इसमें तो अभी मिल्क भी जाएगा ना उसका, एकदम थिक ग्रेवी और टेस्ट आने के लिए। तो अभी इसको अच्छे से ये उड़ेगा, तो अभी मैं इसको ढक्कन लगा के छोड़ दूंगी पकने के लिए। चलिए, अब एक बार देख लेते। हाँ, माशाल्लाह, ये देखिए ऑयल इसका छूटने लगा है, तो जो मसाले का पानी है तो आप देखिए ढक्कन में बहुत सारा मसाला इसका लग चुका है। तो इस तरीके से आप पूरा मसाला निकाल लीजिए, और इसको फिर से पकने के लिए मिक्स करके थोड़ा देर छोड़ दीजिए। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करने वाले हैं, तो इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अच्छे से ढक्कन लगा लीजिए, और इसको फिर से पकने के लिए आप छोड़ दीजिए और आज फास्ट कर लीजिए। अब इसके अंदर हमको चिकन ऐड करना है, और इसी के साथ साथ मिल्क भी ऐड करेंगे हम। पहले थोड़ा थोड़ा चिकन ऐड करके मैं इसको मिक्स करूँगी, उसके बाद आपको दूध डालते हुए दिखाती हूँ। लेफ्ट हाथ से मैं चिकन हिला रही हूँ, और राइट हाथ से इसके अंदर मैं मिल्क डाल रही हूँ। मैंने लिया है 1 कप मिल्क, बिकॉज मुझे इतना ग्रेवी चाहिए। आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी फैमिली कितनी है, तो हिसाब से आप इसकी ग्रेवी बनाइए। और अगर इसके ऊपर आप कुछ छिड़कना चाहोगे तो कुछ मत छिड़किए, बस ऐसे ही अच्छा लगेगा। इसको ढक्कन लगा के बस छोड़ दीजिए स्लो आंच पे 5 से 7 मिनट के लिए। हमारा गुमनाम चिकन तैयार। अरे तुमने क्यों बोला? ठीक है, गुमनाम चिकन तैयार। और शाम को मैसेज में इसका नाम हम सब मिलके सजेस्ट करेंगे, और नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊंगी तो वही नाम रखेंगे जो आपने सजेस्ट किया। अगर उसमें से मुझे कोई अच्छा लगा तो नहीं तो मैं मेरा गुमनाम चिकन। चलिए, किचन का मस्त वाला मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की है। आप उसको चाहो तो पराठा, नान और स्टीम राइस के साथ शेयर कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। और हम लोग तो स्पेशल आज नान के साथ खाने वाले हैं। और अब जा रही हूँ, मैं कल से आपको बता रही थी ना कि मैं, फ़ोन आया लेकिन रात को इतनी थक गई थी तो मैं गई नहीं, तो अलहमदिल्ला
मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम तो सॉल्व हो रही है, उसके साथ खुशियाँ बहुत ज़्यादा करीब आ रही है। तो अब मैं इसका क्या बोलूँ, उल्टा बोल नहीं सकती, समझदार को इशारा काफ़ी है। तो चलिए फिर मैं वो जो खुशियों की फ़ोन आते रहते हैं मुझे, तो 4 दिन बाद 3 दिन बाद 2 दिन बाद उसको सॉल्व करते रहती हूँ, सारी खुशियों को मतलब समेटते रहती हूँ। अभी तो कल रास्ते में फ़ोन आ गया था और कल नहीं गई, तो अब मैं जा रही हूँ। और फिर वही औरत अगर बाहर निकले तो घर की जिम्मेदारियों से कभी पीछा नहीं छूटता, मिक्सर का ग्लास नहीं चल रहा है इसको भी ले ही जा रही हूँ, साथ साथ ये भी कर कर आती हूँ। बताओ नहीं, लेकिन इससे बड़ा लेंथ चाहिए मुझे, और ऐसी माला बहुत अच्छी लगेगी। अरे वो जाड़ा जाड़ा पहन के अभी मेरे को कंटाल आ गया, अब दिल नहीं करता मेरा जाड़ा जाड़ा पहन। गरीब हो गई सायरा सरकारी। चलिए ये जो बड़े पीर सरकार ने यहाँ से आपको पता है पत्थर लाई थी, बॉम्बे आकर सोना बन गया, तो समझ रहे हो बरकत, इसको कहते हैं बरकत। और डिजाइन कैसी लगी, अगेन अंकित की डिजाइन है ये। अबे अंकित आपका एड्रेस भी मुझे डालना पड़ेगा। और एक ये मंगलसूत्र सुहाग की निशानी होती है ना, मैं तो ज्वेलरी के हिसाब से खरीदी। चलिए इतनी थक हार क्या, इतनी गर्मी है बाहर, इतनी गर्मी है बापरे। तो मैंने बोला चलो थोड़ा सा अभी आराम करूंगी, क्योंकि आज मैंने बहुत जल्दी किचन का भी सब चीजें रेडी कर दी थी। तो कैसी लगी मेरी रिंग, अच्छी लगी? और जो मैं बात बता रही थी कि कल मेरे बेटे ने क्या किया मेरे साथ और कल माहिम पुलिस स्टेशन में क्या हुआ, तो ये देखो ये बड़े पीर सरकार का समझ लीजिए तबर्रुक है मेरे पास। तो अब मैं बता रही थी मेरे बेटे को कि बेटे ने मेरे क्या किया, बेटे ने फिर से वो दुनिया में माँ बाप बच्चों को संभालते ये हकीकत है, लेकिन मैंने मेरे बच्चों को जिस तरीके से संभाली हूँ, देखो जो देते हो वही पाते हो। जो मैंने मेरे बच्चों को बचपन से दी, मैंने शायद उसकी पाने की शुरुआत मेरी हो चुकी है। कल जो आपको पता ही है कि ये माहिम पुलिस स्टेशन में जो झूठा मूठा केस जो बना है हमारे ऊपर, तो उसमें जो मेरे ऊपर जो लगा था FIR में, तो क्या उनके ऊपर लगा है, उसके ऊपर उनकी वाइफ साथ में थी, तो उसमें बेल दोनों को करना पड़ा। तो अयूब ने तो अपने मुँह से बताया, मैंने देखो अभी भी मैंने कभी ये नहीं बताया कि क्या होता है, वो सब कुछ बयान करते हैं, बाद में इल्ज़ाम क्या होता है कि मैं बोलती हूँ। तीसरी शादी का भी उन्होंने बोला, उसके बाद इल्ज़ाम आया कि मैं बोलती हूँ। और तीसरी शादी की तो बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ कर कर गए, तीसरी वाली का फ़ोटो दिखाया गया है, और दूसरी एक मुझे धमकी भी आई है। ये तो धमकी 3-4 जन से वाया वाया कर कर आई थी, कल फिर बात ये मेरे कान पे आई है, तो इंशाल्लाह मैं बताना ज़रूर चाहूँगी आपको। पुलिस स्टेशन में तो ये हुआ कि जो बेल की जो क्या बोलते हैं उसको बॉन्ड रहते हैं, मुझे बॉन्ड मिला 15,000 का, और मेरा बॉन्ड किसने भरा पता है, मेरे बेटे ने। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा IT रिटर्न भरता है, तो मेरे बेटे को वो हक था, और मुझे नहीं मालूम था कि ऐसे टाइम पर ये चीज़ के लिए मेरा बेटा खड़ा होगा। तो जजाक अल्लाह, अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि अल्लाह ने इस बार भी मुझे किसी के आगे मोहताज नहीं किया, आज मेरे खुद मेरे बेटे ने मुझे वो चीज़ के लिए जिम्मेदारी दी। मैं कल बहुत रोई हूँ कि हालांकि हमने कभी ज़िंदगी में ये सब सोचा नहीं था कि कभी होगा, लेकिन ना मेरे पर मैंने बताया, ना मेरे पर NC है, ना ये पुलिस की सब चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि एक अच्छा इंसान हमेशा पुलिस स्टेशनों से ये कोर्ट कचहरी से दूर रहना पसंद करता है। तो कल मेरे बेटे ने जब बॉन्ड भरा, तो मेरे बेटे के सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ जमा करने पड़े, साइन करनी पड़ी, तो मैं बहुत रोई, उसका फ़ोटो लगा उस पेपर पर, मैं बहुत रोई। तो बोला क्यों रो रहे हो मम्मी, तो मैंने बोला नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपको ये सब चीज़ मेरे लिए करना पड़ा, आप बन गए 15,000। बोले ऐसा कुछ नहीं मम्मी, आप जितना करें ना उसका तो हम कभी ज़िंदगी में आपको ये कर भी नहीं सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आज दोनों बच्चे मेरे कंधे बन के खड़े हैं, और आप लोग मैसेज के जरिए जो मुझे बोलते हो ना कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं, आपके दो बच्चे माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो दुनिया के सामने साबित करना भी शुरू कर दिए। अल्लाह ही जानते हैं, अल्लाह की मर्ज़ी होती है कि कौन सी चीज़ में क्या दिखाना चाहते हैं, वो हम नहीं जानते, वो हमें बहुत देर से समझ आता है क्योंकि हम इंसान है ना। ठीक है, ये रही दूसरी, ये रही मेरी जो कल पुलिस स्टेशन में बात हुई। तो मेरे बेटे ने बॉन्ड भरा, मेरा हो गया वहाँ पे बेल, अब जो आगे जैसा भी केस होगा वो देखा जाएगा। और अयूब को कहते हैं ना कि दोनों के साथ में लगे, लेकिन उनको क्या मिला, उनको महीने में 2 बार हाजिरी लगाना प्लस बेल करवाना। तो आप जैसे बोओगे उसी तरीके के पाओगे, आप जो दोगे वही पलट के आपके पास आएगा। बस ये बात में बहुत गहराई है, अगर अभी भी समझेंगे तो अपने फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, बहुत वैल्यू करेंगे,
और नहीं करेंगे तो आपकी मर्जी, मैं कोई अभी बोलने का वो नहीं करती और मुझे बोलने में अब इंटरेस्ट भी नहीं है। अब मुझे ये इंटरेस्ट है कि जो आप पीठ पीछे आके ये पर्दे के आगे बहुत अच्छे अच्छे बनते हो और पीठ पीछे आके जो लोगों से बात करते हो ना, पीठ पीछे वाली बातें मैं लाऊंगी सामने। अब बस हो गया, क्योंकि मैं जितनी आपकी इज्जत लोगों को दिखाना चाहती थी, जितनी आपकी पर्दादारी करना चाहती थी, उसके बदले में मुझे बदनामी ही मिल रही है। और आई डोंट केयर, मैं कोई चीज़ से डरती नहीं हूँ, क्योंकि मैं झूठी नहीं हूँ। जैसे कि अभी बता रही थी ना आपको, जो धमकी मिली है, तो धमकी तो है या नहीं है वो आप ही बताना मुझे, मुझे तो ऐसा लगता है। और उसके साथ एक ऑफर भी मिला है, जो आए थे इधर मालवनी में, तो उनको बोले कि भाई तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट्स दिला दो। और उसके साथ जो मैंने बताई थी आपको कि मुझे तलाक दिला दो, मुझे छुटकारा दिला दो, क्योंकि मुझे तीसरी शादी करनी है। और पता नहीं किसी का फोटो वगैरह भी दिखा कर गए हैं इधर, तो खैर तीसरी शादी करो, चौथी शादी करो, 10 शादी करो। मुझे तकलीफ होती है इसलिए क्योंकि मैंने सच्चे दिल से प्यार किया। अब आपकी पहली औरत को तकलीफ नहीं होती, क्योंकि मेरे साथ में रहते हुए उन्होंने क्या सौदा किया था आपसे और क्या बात हुई थी, वो भी सारी चीज़ें मैं अब बताने वाली हूँ आगे जाके। और उसके साथ में क्या पेपर्स आए थे वो भी मैं बताने वाली हूँ। तो खैर यार, बहरहाल जो मुझे धमकी मिली है वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लॉग बढ़ रहा है। और ऑफ़र का सुन लीजिए, ऑफ़र क्या मिला है कि अगर वो सत्तानी नाम निकाल के शेख नाम लगाएंगे तो मैं रेडी हूँ। तो क्या बोलना आपका कि मैं अपना सत्तानी नाम चेंज कर लूँ? मेरी पहचान, मेरी जान, मेरी पहचान, मेरा सब कुछ सत्तानी है। तो आप क्या मेरे जो लोग मुझे प्यार करते हैं, जिन लोगों से मैं इतनी कनेक्ट हूँ अनजाने में, मैसेज के जरिए या फिर आप लोगों के जो भी दिल की तारों के जरिए, तो मैं आप लोगों से ये सवाल करती हूँ कि आज आपकी दुनिया में जो मेरी पहचान है वो है सत्तानी। आज जितनी प्रॉपर्टी है उस पर नाम है सत्तानी। आज मेरे बच्चों के साथ में जो जुड़ी है वो सत्तानी। तो आप क्या बोलते हो? क्योंकि अय्यूब को जो पहचान दिखाई है ये साइरस सत्तानी ने दिखाया, ना कि अय्यूब रंटाक शेख ने मुझे कोई पहचान दिखाई है। तो आज भी मैं अपना नाम अय्यूब साइरस सत्तानी अय्यूब शेख ही दुनिया को बोलती हूँ। लेकिन मैंने अय्यूब शेख लगाना कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि खराब है। मुझे तो बहुत फख्र था कि मेरे शौहर का नाम है। और 2011 में ये लॉ निकला है कि अगर शादी के बाद औरत चाहे तो अपना नाम चेंज कर सकती है, नहीं तो आप वो नाम के आगे अपने मैरिज का नाम ऐड कर सकते हो। तो आई एम एजुकेटेड लेडी और मैं सोशल मीडिया पे अगर एक्टिव रहती हूँ तो मैं इतनी नॉलेज भी रखती हूँ, और इतना हमें रखना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम पढ़े लिखे हैं तो फिर अगर ये सब चीज़ों का नॉलेज नहीं रखेगी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, कहीं भी कुछ भी चीज़ की ज़रूरत पड़े और हम वो चीज़ कर सकते, अगर वो नहीं करें तो फिर क्या फ़ायदा है, फिर तो जाहिली कहलाएंगे ना। तो अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मुझे पता है कि 2011 में ये रूल लॉ निकला है कि औरत चाहे तो सरनेम अपना शादी के बाद अपना नाम के आगे लगा सकते हैं, अपने हस्बैंड का नाम, अपने घर का नाम वो चाहे तो छोड़ सकती है, चाहे तो नहीं छोड़ सकती है। तो मैं आप लोगों से ये मेरे तरफ से ये गुजारिश है, ना कि सवाल है, ना जाओ, ना कॉन्टेस्ट चल रहा है यहाँ पे, बस एक गुजारिश है कि जो मुझे ये ऑफर मिला है तो मैं क्या करूँ उसको, सत्तानी नाम चेंज करके शेख रखूं और वो बोलते तभी मैं रेडी हूँ। तो सॉरी, मैंने तो नहीं बोला कभी कि मैं रेडी हूँ, मैंने बोला मैं तलाक नहीं दूंगी लेकिन जिंदगी भर आपका साथ भी नहीं छोड़ूंगी। और अगर आपको मेरा साथ, जैसे आप बोलते ना एक औरत एड़ी चोटी का जोर लगा देती, एक आदमी भी अगर चाहता, और गलती पूरी आपकी है, मैं अभी वो बयान करने बैठे तो बहुत बड़ी बात है, और मेरे अगेंस्ट जो वीडियो बनाते, मेरे अगेंस्ट जो बात करते हैं, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता है कि आप क्या बोलते हो, क्या करते हो, क्योंकि आप लोग सब मेरे नाम से चैनल्स चलाते हो। आप लोगों को व्यूज चाहिए, आप लोगों को चैनल्स पे अर्निंग चाहिए, ये तो मेरी रियल लाइफ है और मैं रियल लाइफ को स्पेस कर रही हूँ। आई डोंट केयर मेरे को कि कोई मेरे लिए कोई वीडियोज बनाता है तो मैं उसको देख के थम जाऊ, सॉरी, जो मेरी जिंदगी में चल रहा है उसको लेके तो मैं कभी नहीं थमूंगी। और मिस्टर अय्यूब सत्तानी बोलू, सॉरी, आप उस लायक नहीं, ठीक है? तो आपने जो ऑफर दिया है तो मैंने तो फैसला की हूँ, लेकिन मैं जो लोग मुझे चाहते हैं, जिनकी मैं वैल्यू करती हूँ, मैंने उन लोगों से एक अर्ज रखी है। तो इंशाल्लाह जब व्लॉग आएगा तो शाम को आप इस मैसेज में मुझे सजेस्ट करना, देखते हैं कि आपकी राय और मेरी राय मेल खाती है कि नहीं। आगे की बात तो आगे का फैसला तो मैं ही करने वाली हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी है, मेरी पहचान है, मेरा अस्तित्व है ये चीज़ों से, ठीक है? और अभी इंशाल्लाह बहुत थक गई हूँ, मेरा सर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि देखा आपने सुबह में चश्मा निकाल कर लगाई थी, मेरा आजकल बहुत ज्यादा सर दुखने लगा है। तो इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ
और फिर शाम को व्लॉग ऐसे समझ ली कि एंड हो गया, लेकिन दस्तरखान पे एंड करेंगे क्योंकि इसमें बहुत बरकत होती है और अल्लाह की चीजों में तो आप जितना ज्यादा इन्वॉल्व होगे अल्लाह उतनी बरकत अता करेगा, ये आपकी सोच और आपकी दिल की बातें रहती है। ठीक है, आज तो दस्तरखान में आधा घर का आधा बाहर का, और जो मेरी हाथ की रेसिपी है वो लक्ष्मी गरम कर रही है। उसके साथ मैंने बताया था ना आपको कि हम लोग नान खाने वाले, तो देखो ये नान, काफी सारे नान आ चुके हैं। और मैंने सिर्फ दोपहर में बोली थी अमीन को कि मुझे ना वो जोगेश्वरी की समोसे खाने, मुझे नहीं पता था, मैं अभी आराम कर रही थी तो मेरा बेटा इतना सारा जाके लेकर आया, तो मैंने अभी जस्ट यही बोली कि इसको बोलते है बेटा, है ना, इसी को बोलते है बेटा। और अली ने तो क्या किए, मेरे लिए फूल लिए और गाड़ी में भूल गए, तो अरे मम्मी मैं भूल गया आपके लिए फूल लिया था, तो कोई बात नहीं, वो मोहब्बत है वो बहुत बड़ी बात है। तो फिलहाल चलिए फिर मैं भी रोज़ा खोल लेती हूँ, आप भी रोज़ा खोल लीजिए और फिर इंशाल्लाह व्लॉग जब आएगा तब बैठेंगे और फिर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे मैसेज के जरिए। तो अल्लाह हाफिज़।